पुलिस के सामने कई मामले चुनौती बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नगर की ईदगाह रोड पर देखने को मिला, जहां खेत पर एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसके पास रस्सी और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसको खेत पर चारा लेने गई महिलाओं की सूचना पर पुलिस अस्पताल ले आई और कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, जनपद शामली के कांला थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत पर चारा लेने गई कुछ महिलाओं ने एक युवक को बेहोशी की हालत में पड़ा मिला दिखा तो महिलाओं ने युवक को देखते ही शोर मचा दिया। शोर की आवाज़ पर खेत में काम कर रहे आसपास किसानों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सूचना 100 नंबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के पास से खाने पीने की चीज़ एवं कोल्ड ड्रिंक और एक रस्सी बरामद हुई है, जहां पर युवक की पहचान खालिद पुत्र सलीम निवासी नई बस्ती कांदा के रूप हुई। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि खालिद सुबह घर से घूमने के लिए निकला था। हमें पुलिस की सूचना पर पता चला कि युवक नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ है। पुलिस युवक से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। तामली से हमारे संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, क्या पूरा मामला बता सकते हैं? इसका 100 नंबर की सूचना थी, वो संदिग्ध उसे कुछ हुआ नशीला पदार्थ जो भी कोई रस्सी उसके पास मिली बेहोशी की हालत में, हम तुरंत उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र आए। नाम है उसका खालिद सनो सलीम। क्या पूरा मामला कुछ बता सकते हो? किसी है कोई घर में रंजिश या कुछ उसका? कुछ नहीं, किसी का किसी झगड़ा हो? क्या लगता है हत्या का प्रयास है आत्महत्या का? युवक के होश आने पर पता चलेगा युवक की हत्या या आत्महत्या। घटना और अस्पताल में युवक बेहोशी की हालत में मिलने पर एक ही चर्चा रही, क्या कोई युवक की हत्या करना चाहता है या युवक खुद आत्महत्या करना चाहता है। अब यह तो युवक के होश आने पर ही पता चलेगा उसकी कोई हत्या कर अधमरा छोड़कर चला गया या युवक खुद आत्महत्या करना चाहता है। युवक के पास से रस्सी मिलना एक रहस्य है जिसकी पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। देखते हैं पुलिस इस रास्ते कब तक पर्दा उठाती है। सामने से हमारे संवाद